है गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 7 बजे। मेरा नाम विवेक, मैं इंडिया से और अभी टीम सीरीज कर रहा हूँ। फिलहाल अभी की बात करूँ तो बस मैं बिल्कुल रेडी हो गया हूँ, निकल रहा हूँ बीच के लिए, जो कि यहाँ पे काफ़ी सुंदर बीच है, पोर्टो अस्ताना। तो चलिए वहाँ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, ये है पोर्टो अस्ताना। ये सारे लोग आए हैं बस से, जा रहे हैं, देखता हूँ कैसा है। और इट्स माय फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार यहाँ पर आ रहा हूँ इस बीच पर। सुना, बहुत नाम सुना है इस बीच का कि काफ़ी सुंदर है, देखते हैं। और हवा तो नहीं चल रही है तो मतलब ड्रोन भी मैं उड़ा सकता हूँ। तो काफ़ी सुंदर है बीच ये तो। सुबह सुबह आने का फ़ायदा ये भी है कि क्राउड कम है, लोग अभी आ ही रहे हैं। इसके पीछे भी शायद बीच है, देखते हैं उधर क्या सीन है। ओ वाह, उधर देखने में लगा ये खाली, ये सब दिख रहा, झाड़ी दिख रहा, पता नहीं लग रहा था इधर भी कुछ है। बट मैं बस एक दो लोग आते जाते देखा तो मेरे को लगा होगा। फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ आ गया हूँ और यहाँ पर ना बहुत तेज़ धूप लग रही है और ये लोग इन्जॉय कर रहे हैं। बट आई डोंट नो, मुझे धूप में बिल्कुल नहीं रहना पसंद है और धूप तीखी वाली भी हो गई है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो पानी में जाऊँगा, पानी में, हालांकि पानी में कूदने के बाद मज़ा आएगा, बट अभी तक पानी के बाहर रहने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। सो मैं अभी सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा चेंज वेंज करता हूँ, शॉर्ट्स में आता हूँ और पानी में कूदते हैं। और थोड़ा सा मैं स्नॉर्कलिंग वाली जो मास्क होती है मैं वो भी ले आया हूँ, तो अंदर का भी अंडर वाटर फुटेज लेने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अभी मैं लोकेशन खोज रहा हूँ ड्रोन फ्लाई करने के लिए। रीज़न ये है कि सबसे पहले ड्रोन उड़ाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि अभी हवा बिल्कुल नहीं चल रही है और अगर हवा चलने लगेगी तो फिर प्रॉब्लम होएगी। सो दैट्स वाई मैं सबसे पहले ड्रोन फ्लाई करूँगा। सो फ्रेंड्स, अभी मैं इधर आगे जा रहा हूँ, देखता हूँ कोई चीज़ जगह जहाँ मैं अपना बैग रख के और पानी में कूद सकूँ मैं, क्योंकि बैग में पूरा ड्रोन कैमरा सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। तो कोई ऐसी जगह देखूँगा जहाँ कम लोग हों, हालांकि यहाँ कोई डर नहीं होता चोरी वोरी का, ऐसा कुछ सीन है नहीं यहाँ पर। Thank you.
अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज लग रही है और अभी सुबह के 10:30 ही बज रहे हैं, बट स्टिल मेरा हालत ख़राब हो रहा है। और देखिए लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं धूप में। ये लोग को टैन होना पसंद है, मतलब ये लोग टैन होते हैं ना तो ये लोग मतलब अच्छा फील करते हैं कि हम टैन हो गए, थोड़ा आज गए थे तो इतना इन्जॉय किया। मतलब जितनी ज़्यादा टैनिंग इनके लिए उतना ज़्यादा फ़न, इतना ज़्यादा इन्जॉय। अपने लिए तो उल्टा ही है। Andiamo a lavarci la manina? Voglio capire qual è la questione. फ्रेंड्स अभी आ गया मैं बस स्टॉप पर और यहाँ पर थोड़ा राहत है क्योंकि यहाँ सेड है, पेड़ है, तो पहले की छाँव में ठंडी ठंडी हवा लग रही है तो अच्छा लग रहा है। और बीच साइड में मेरा बड़ा ही गंदा लग रहा था क्योंकि धूप इतनी तीखी वाली लग रही थी, जैसे मिर्च की तरह लग रही थी। जब तक पानी में है तो ठीक है, बट पानी के बाहर मैं निकल गया था क्योंकि कपड़े गीले थे तो सुखाना था, गीला कपड़ा पहन के जाना सही नहीं था, तो मैं बाहर था। और जब तक बाहर था तो भाई साहब ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे भट्टी हो, भट्टी के आसपास मैं घूम रहा ऐसा लग रहा था। बट अभी आ गया हूँ यहाँ पर तो सही लग रहा है। हालांकि बस को आने में 35 मिनट बाकी है तो इंतज़ार करते हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स अभी बस लेट हो गई है, 2-4 मिनट नहीं सीधे 22 मिनट लेट हो गई है और अभी तक कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा, पता नहीं कब आएगी। हो पूरा समय तो इतना है मेरा यहीं निकल जा रहा है। फ्रेंड्स फाइनली बस आ गई है, 45 मिनट लेट आई है पूरी की पूरी। और पहली बार हो रहा है कि बस यहाँ इतनी ज़्यादा लेट हो रही है। नॉर्मली होता है 15 मिनट 20 मिनट ठीक होता है, कभी कभी ट्रैफिक होता है, बट ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। फ्रेंड्स फाइनली मैं पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट, चलिए चलते हैं अंदर, थोड़ा मुँह धोते हैं क्योंकि पूरा नमकीन नमकीन हो गया स्किन। आज तो बहुत ज़्यादा क्राउड लग रही है एयरपोर्ट पर। फ्रेंड्स ये रहा मेरा लंच, ये पास्ता है और ये भी पास्ता है, ये कुछ वेजिटेबल्स के साथ है और ये सलाद है और बॉइल्ड वेजिटेबल्स, दो ब्रेड्स, तो जिसमें से मैं सिर्फ ये खाने वाला हूँ, बाकी सारा पैक करके ले जाऊँगा, शाम में खाऊँगा और रात में खा लूँगा। और अभी बीच में मैंने लीदर कर गया था, लीदर से कुछ क्रोसेंट वगैरह मैंने ले लिया है शाम को खाने के लिए। चलिए खाते हैं और यहाँ रेस्ट करेंगे क्योंकि अगले 1 घंटे के बाद हमारी यहाँ से बस है सिटी सेंटर के लिए। और आज देखिए कितना क्राउड है, बड़े मुश्किल से मुझे ये टेबल मिला है, अदरवाइज़ पूरा टेबल भरा हुआ है। और ये वाला जस्ट अभी खाली हुआ है, सामने वाला ना अभी तुरंत खाली हुआ है, बाकी पूरा पूरा भरा पड़ा हुआ है। फ्रेंड चलिए चलते हैं ऊपर क्योंकि अपने कॉलेज एरिया में बिजनेस सेंटर है ना, वहाँ पर बैठ के इंतज़ार करते हैं क्योंकि नीचे बैठने कोई मतलब नहीं है। पता लगा मैं खा कर भी ऐसे बैठा रहा हूँ, बाकी लोग खाने के लिए भी वेट करें
जगह ना मिले। देख रहे हैं कितना क्राउड है, तो ऊपर खाली है, ऊपर आराम से बैठेंगे। फ्रेंड्स अभी मैं पहुंच गया हॉस्टल और अभी बहुत तेज से नींद आ रही है मुझे, तो अभी जा रहा हूं शॉवर लेने के लिए। शॉवर लेकर फिर थोड़ा रेस्ट करूंगा 1-2 घंटे, उसके बाद उठकर एडिटिंग करूंगा, देन उसके बाद फिर शाम से लाइक 7-8 बजे के आसपास मैं स्टडी स्टार्ट करूंगा। फ्रेंड्स शाम में मैं सोने जा रहा था बट सो नहीं पाया क्योंकि ये जो मेरा माइक है रोड का वायरलेस GoTo जिससे मैं ब्लॉग करता हूँ रिकॉर्ड करता हूँ उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। बेसिकली जो ये ट्रांसमीटर है ट्रांसमीटर में तो सब कुछ सही है बट जो रिसीवर है उसका जो पावर बटन है कभी कभी वर्क नहीं कर रहा है, कभी ऑन होता है कभी नहीं होता है, कभी ऑन होने के बाद ऑफ नहीं होता है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने मेल करा था तो वहाँ से मेल आ गया कि भेजने के लिए, क्या हमें भेजी हम चेक करते हैं, बट वो इंडिया में है। तो मैंने पूछा कि इटली में है तो बता दीजिए, इटली में करा देते हैं अगर 2-3 दिन के अंदर हो जाए तो। तो उन्होंने बोला नहीं, अगर आप सेंड करेंगे किसी भी लोकेशन सेंड करेंगे तो एटलीस्ट 1 दिन तो जाने में लगेगा, 1 दिन आने में लगेगा और चेक करने में 2 दिन लगेगा। तो आपके पास अगर 3 दिन सिर्फ बचे हुए हैं तो पॉसिबल नहीं, तो इससे बेटर कि इंडिया में करा लेंगे क्योंकि मैं इंडिया वापस जा ही रहा हूँ तो मैं इंडिया में ही करा लूँगा। तो उसके रिगार्डिंग सब कुछ चेक कर रहा था कराना था क्योंकि हालाँकि ये वारंटी में नॉर्मल वारंटी 1 साल की ही होती है बट मुझे 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिली थी, मतलब मेरा 2 साल का है। तो उसके बाद फिर एडिटिंग करने लग गया था, कुछ और भी काम था, वो सारी चीज़ें कर लिया। तो फिलहाल अभी रात के 12:30 बज गए हैं तो अभी नींद भी आने लगी है। तो चलिए अब इस ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, सो जाते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।